ऐसा है कि इस समय हाई कमांड ने दूसरी बार मुझसे कहा, पहले लोकसभा के चुनावों में कहा उन्होंने कि आपको लोकसभा के चुनाव में एमपी का चुनाव अपनी वाइफ से लड़ाना चाहिए, मैंने उस समय भी इनकार किया। और इस बार जब सर्वे हुआ तो उसका नाम उसमें आया, मैंने फिर भी इनकार किया कि मैं चाहता हूं कि मैं परिवार से हमारा एक ही आए। लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां राज्य में हैं और जिस प्रकार का जो ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो उस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए वह एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के रूप में, मेरी जो पत्नी थी वो वहाँ, उसका मायका है, उसकी अपनी जगह है, उसको उन्होंने कहा। वो कोई राजनीतिक जीवन में मेरा ही घर संभाल रही थी, मेरे बच्चों को ही संभाल रही थी और आगे भी वो ही संभालेगी, लेकिन इन परिस्थितियों के हिसाब से मुझे जब फैसला लेने का समय आया तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी हाई कमांड ने जब आदेश दिया है, मैं हाई कमांड के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका, ये कारण रहा। और मैं 3.5 साल के लिए, मेरी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है, जब देरा की बात आई थी तो मैंने उस समय भी कहा था देरा मेरा, तो आज मेरे रूम में मैं वहाँ अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ, 3.5 साल वो वहाँ के जो विकास है उसको गति देगी और निश्चित तौर पर उसके बाद हम वहाँ किसी आने वाले समय में जो भी हम कार्य करेंगे तो वहाँ की जनता की भावनाओं के अनुसार करेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ के साले वहीं रहते हैं, वहीं लोगों ने, पंचायत प्रधानों ने अपील की, तो इसलिए ये मुझे फैसला करना पड़ा। लेकिन भविष्य में परिवार से एक ही राजनीति में ज़्यादा तौर पर रहेगा।